तो कैसे हो दोस्तों, होप करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपने डॉग के बुरे आदतों को किस तरीके से सही करो। तो दोस्तों उसमें बहुत सारा कमेंट यही आया कि मेरा डॉग मिट्टी बहुत ही ज्यादा खाता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका डॉग मिट्टी खाता है तो आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डॉग कीचड़ खाता है, मिट्टी खाता है, कोई गिरा हुआ लकड़ी चबाने लगता है या फिर गोबर खाता है तो सारा प्रॉब्लम एक ही हुआ, ठीक है, और उसका सारे का सॉल्यूशन एक ही है। और अगर आपके डॉग के आंख से कीचड़ आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा या फिर हल्का सा, तो वो भी एक ही प्रॉब्लम में काउंट किया जाएगा। दोस्तों सामने जो भी आपको डॉग दिखाई दे रहा है उसमें से व्हाइट वाला, आप लोग ये मत सोचना कि व्हाइट वाला टॉमी है, ठीक है, वो मेरा डॉग नहीं है। मुझे रास्ते में ये दोनों डॉग मिला और दोनों का दोनों घास चबा रहा था बहुत ही ज्यादा मात्रा में, आपने वीडियो में देखा। तो दोस्तों ये भी एक ही प्रॉब्लम हुआ, घास चबा रहा है या फिर मिट्टी खा रहा है, लकड़ी चबा रहा है, गोबर खा रहा है, आंख से कीचड़ आ रहा है, तो सारा का सारा एक ही प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर हम कायदे से बात करें तो ये सारा एक रियल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, उसके वजह से ये गंदगी खाता है और घास चबाता है। दोस्तों होता क्या है कि डॉग के पेट में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि हर्ट वॉर्म, टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, तो ये जो सारे वॉर्म है ना इसके स्टोमक के अंदर हो जाते हैं। तो जब भी ये स्टोमक के अंदर होता है तो ये क्या करते हैं कि घास चबाते हैं या फिर गंदगी खाते हैं। तो हमें क्या करना है कि उसके कीड़े को मारना है, ना कि इसके घास चबाने को बंद करना है। और जब उसके पेट का कीड़ा मर जाएगा तो ये घास चबाना भी बंद कर देगा और गंदगी खाना भी बंद कर देगा। दोस्तों आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि जंगली डॉग जो है ना वो घास चबा रहा है, तो डॉग्स हो या फिर बिल्ली हो तो वो सारे क्या करते हैं कि घास चबाते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल एडॉप्टेशन हो गया उन लोगों में पेट के कीड़े को मारने के लिए। लेकिन हम लोग जब उसको पाले हुए तो हमारा काम है कि उसके पेट के कीड़े को मारें। तो दोस्तों उसके पेट के कीड़े को मारने के लिए बहुत सारा मेडिसिन आता है, अलग अलग एज के लिए अलग अलग मेडिसिन आता है, छोटे पप्पी के लिए अलग आता है, बड़े पप्पी के लिए अलग आता है, जो कम वजन का कुत्ता है उसके लिए अलग आता है, जो ज्यादा वजन का कुत्ता है उसके लिए अलग आता है। तो आपको क्या करना है कि सही मेडिसिन जानना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अभी आपको ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मैंने एक चीज मिस कर दिया कि डॉग को कब वो मेडिसिन देना है। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि आपको कब देना है और कैसे देना है। तो दोस्तों वो जो मेडिसिन आप खिलाओगे वो सही तरीके से वर्क कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना है कि डॉग को खाली पेट में वो मेडिसिन खिलाओगे। सपोज डैट कि आप उसको सुबह में भी खिला सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको रात में खिलाइए। सपोज डैट कि किसी दिन आप उसको शाम में 5 बजे ही खाना दे दीजिए, 5 बजे या 6 बजे, और रात में उसको 9 बजे या 10 बजे उसका डिवॉर्मिंग कीजिए, ठीक है, टेबलेट से। तब ये क्या होगा कि सही तरीके से खाली पेट में खाएगा तो खाली पेट में जितना भी कीड़ा है वो बहुत ही आसानी से मरेगा। और जब आप उसको दवाई खिला दोगे तो उसके बाद उसको कुछ खाने के लिए मत देना, ठीक है, रात भर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो सुबह हो करके जो उसका सारा कीड़ा है वो सारे मर जाएंगे और 1 से 2 दिन में वो जो मिट्टी वगैरह खा रहा है वो सारा बंद कर देगा। तो बहुत सारे ओनर क्या करते थे कि गलत तरीके से मेडिसिन उसको देते थे, उसके वजह से भी ये डॉग जो है गंदगी खाना या फिर घास चबाना नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों वो जो वीडियो है आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको मेडिसिन का नाम पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि डिवॉर्मिंग करना क्यों जरूरी है। और दोस्तों जो भी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए जिसका नाम है पॉम टॉय अनुराग, और आप एक डॉग लवर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे इसी तरीके का रेड कलर में नीचे आपको सब्सक्राइब मिलेगा तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों होप करता हूँ कि इस वीडियो में 1500 लाइक जरूर मिलेगा। दोस्तों मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।